हम समस्या से मुक्त होते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए। कुछ समय के लिए समस्याओं से मुक्त होकर कोई फायदा नहीं। सारी समस्याओं को हमेशा के लिए जड़ से ही उखाड़ फेंकना होगा। इंसानों इंसानों में अंतर विरोध है, विभाजन है। जहाँ विभाजन है वहाँ तनाव आएगा ही। हम इंसानों ने खुद को टुकड़ों टुकड़ों में बांट लिया है, देशों के नाम पर, अलग अलग धर्मों के नाम पर इत्यादि। सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग अनुभव है, सबके अपने अपने निष्कर्ष है। जहाँ हम विभाजित होते हैं, खंडों में बंट जाते हैं, वहाँ संघर्ष तनाव होगा ही। ये नियम है, मेरा नहीं, नियम नियम है। आप देख रहे हैं यूएन रशिया अफगानिस्तान के बीच क्या दहशत का माहौल चल रहा है। यह अत्यंत भयानक है। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से टकराएगी ही, और हमने यह समस्या सुलझाई नहीं है। लेकिन क्यों? क्या हम जानकर भी अनजाने बन रहे हैं? क्या हमें संघर्ष में रहना अच्छा लगता है? हम कहते हैं जीवन ही तो संघर्ष है, द्वंद्व तो हमारे स्वभाव में ही है। कई बहाने हम इस तनाव से बचने के लिए, इससे दूर भागने के लिए ढूंढते रहे हैं कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारकर खाता है। यह हमारा पसंदीदा बहाना है। जंगल में एक फूल सूर्य प्रकाश के लिए तरस रहा है, बड़े पेड़ों ने सूर्य किरणें ढक रखी है, प्रकृति में सतत संघर्ष हो रहा है। लेकिन बोलने वाला इस पर सवाल खड़ा करता है। हम जो संघर्ष प्रकृति में देखते हैं, क्या सच में वो संघर्ष है? हम हमारे मस्तिष्क से इस प्रकृति को देखते हैं। हमारे पास ऐसा मस्तिष्क है जो खुद संघर्ष में है, द्वंद्व में फंसा है, और वही मस्तिष्क निसर्ग में, प्रकृति में संघर्ष देखता है। लेकिन अगर आप निसर्ग को, प्रकृति को छेड़ेंगे नहीं, तो प्रकृति में कोई संघर्ष नहीं है। क्या हमारे मस्तिष्क को संघर्ष की आदत हो चुकी है? क्या उसे आदत हो चुकी है कि वो हमेशा द्वंद्व में रहे, संघर्ष में, तनाव में जिए? हमें आदत हो चुकी है, हम लगभग निर्जीव हो चुके हैं, जीवन ऊर्जा से पूरी तरह खाली। और जब हम तनाव में, संघर्ष में आते हैं, तो हम उससे भागने में बहुत माहिर है। हम तनाव से भागते हैं। हमारे पास तनाव से भागने के लिए हजारों बहाने हैं। क्या हम इस समस्या को, हमारे द्वंद्व को अभी देख सकते हैं? हम में से हर कोई पहले खुद के बारे में सोचता है, मैं के बारे में सोचता है, मेरा घर, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी सोच, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, सिर्फ मैं और मेरा, मैं, मेरा और लगाव, विचार और विचार से लगाव।
क्या आपको ये समझ आ रहा है? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जहाँ भी लगाव है वहाँ द्वंद्व है, संघर्ष है, यही वास्तविकता है। मैं हिंदू हूँ और मैं डरता हूँ कि कोई मुझसे मेरी पहचान छीन ना ले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। मुझे मैं में स्थित रहना है, इस मैं को कुछ बनना है, जैसा वो अभी है उससे कुछ बढ़ा, कुछ मौलिक, अभी से बढ़कर, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा आराम, ज़्यादा मज़ा, पूरे जीवन का केंद्र ही मैं बन चुका है। सब कुछ उसी मैं के लिए हम कर रहे हैं। और जैसे आप हैं वैसी आपकी पत्नी भी, उसका भी अपना मैं है, वो भी मैं से ही केंद्रित है, मैं से ही संचालित होती है। तो स्वाभाविक रूप से पति और पत्नी में संघर्ष होगा ही, दोनों अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, दोनों के अपने अपने अलग केंद्र है, वो सोचते भी है कि मेरा अपना एक व्यक्तित्व है और बाकी मुझसे अलग है। हर किसी को किसी भी कीमत पर कुछ ना कुछ बनना है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा, हिंसा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस मैं को छोड़ना, इस द्वंद्व को मिटाना बड़ा आसान है। सारी परेशानियों को जड़ से हमेशा के लिए मिटा देना बहुत सरल है, इसलिए हम उसे अनदेखा करते हैं। हमें तो कुछ चुनौती भरा चाहिए जो हमें परेशान करे, तकलीफ दे, जिसमें अभ्यास हो, ज्ञानियों की चर्चा हो, परीक्षण हो, जो सरल है, जो सहज है, उसे देखकर हम कभी नहीं कहते कि चलो हम इसमें ही गोता लगाते हैं, हम इसकी ही गहराई में पूरा उतर जाते हैं। लड़की की अपनी कुछ इच्छा है और लड़के की इच्छा लड़की की इच्छा के विरुद्ध है, तो ऐसे में हम सारे संघर्ष से गुजरने को उत्सुक रहते हैं। लेकिन ये इच्छा क्या है, इसकी ज़रूरत, इसकी जड़ क्या है, ये जानने की हम कभी कोशिश नहीं करते। क्या आप लोगों को ये समझ आ रहा है? मेरी इच्छाओं पर ध्यान देने से ज़रूरी है इच्छा क्या है उसे समझना। ये जो पहचान है, मेरी इच्छा, मेरा स्वार्थ, मेरी परेशानी, मेरी खुशी, मेरी मौत, एक मैं की पहचान, विचारधारा से लगाव, मैं भी एक विचार ही है। क्या विचार ही लगाव नहीं है? ये पृथ्वी हमारी है, ये हमारी सृष्टि है। भगवान के लिए इस बात को समझिए। बोलने वाला पिछले 60 सालों से कह रहा है कि सत्य को जानने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सिस्टम, कोई ढांचा नहीं है। लेकिन इस बात को समझ पाना कि सत्य का कोई मार्ग नहीं है, मनुष्य में किसी भी तरह का विभाजन संघर्ष लाएगा ही। धरती के सभी धर्म एक दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली बनने में लगे हैं।
यही हमारी संस्कृति है लाखों सालों से, और हम उसे ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये पूरी मानव जाति है तो आप क्या करेंगे?